আর কাকিমা আপনার বয়স কত হয়েছে? আমার বয়স 60 বছর হয়ে গেছে। তো জেসা কি আন্টি জি বতা রে ইনকা 60 সাল হো গিয়া হ্যায় আর কত টাইম কখন আপনি এখানে লাগান এটা? বিকাল 4টে থেকে রাত 12টা 1টা বেজে যায়। আচ্ছা, तो जैसा कि काकीमा बता रहे हैं कि शाम को 4 बजे से रात करीबन 10, 11, 12 भी बज जाता है। अभी शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं और आज बारिश हुई थी तो वेदर काफ़ी अच्छा है, तो सोचा चलते हैं आज कुछ खाते हैं और शाम को बारिश के बाद क्या खाया जाए कि मज़ा आए, तो उसके लिए मैं जा रहा हूं। और अभी मैं ये ठीक गोड़िया स्टेशन रोड पे हूं और मैं अभी गोड़िया का जो खुदीराम मेट्रो है उस तरफ से मैं गोड़िया के कवि नजरुल मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी मैं जाने वाला हूँ शीतला मंदिर और शीतला मंदिर जाऊँगा और शीतला मंदिर जाने के बाद वहाँ पे क्या मैं खाने वाला हूँ वो आप लोगों को पता चलेगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और ये मैं बिल्कुल शीतला मंदिर का जो सिग्नल है अब वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। और उससे पहले आप ये देख सकते हैं ये एक मंदिर यहाँ पे बना है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव मंदिर है। इसी बार जो रथ जो स्टार्ट हुआ था उसी दिन इसका ओपनिंग हुआ था और बहुत ही अच्छा मंदिर है, कभी मैं इस मंदिर का भी वीडियो बनाऊंगा। और ये गाइज मैं शीतला मंदिर का जो सिग्नल है वहाँ पे हूँ, यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ रहता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ठीक है, उस पार क्रॉस करते हैं, सिग्नल का वेट करते हैं और सिग्नल हो गया है, भीड़ है काफ़ी। और मैं ये पहुंच गया मुझे जहां आना था, तो अब आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं अभी गोड़िया शीतला मंदिर के पास हूँ, आप मेरे ठीक पीछे सिग्नल देख पा रहे हो, ये गोड़िया का शीतला मंदिर है। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल एक घुगनी मिलता है, घुगनी के साथ साथ बॉयल्ड एग और एक बॉयल्ड एग का ही फ्राई मिलता है और आलू दम मिलता है, तो वो हम लोग ट्राई करेंगे। और आए तो चलिए अब उनसे सबसे पहले बात करते हैं, दुकान कब का पुराना। और अगर एड्रेस की बात करें तो ये है साउथ कोलकाता गोड़िया शीतला मंदिर, एकदम जस्ट ये शीतला मंदिर का ये सिग्नल है और आपका कवि नजरुल मेट्रो इस तरफ पड़ेगा। तो चलिए अब घुगनी भी ट्राई करेंगे और यहाँ पे जो बेचते हैं उनसे बात करेंगे, तो चलिए फिर बात करते हैं। और आप चलिए अभी मैं उनसे ही बात करता हूँ जो यहाँ पे बनाती हैं, तो चलिए उनसे, उनका घुगनी बहुत स्पेशल रहता था, हम उनसे बात करेंगे। तो काकीमा अपनी एटा कत दिन हलो एखाने लगाछेन? एखाने 50 बछर हो गेछे दोकान लगाछे। अच्छा, तो जैसा कि ये आंटी जी बोल रहे 50 साल हो गया है, और आपनर एज कत? 15 टाका आगे छिल, 2 टाका, तारपरे 4 आना, तारपरे हलो तोमार 50 पैसा, तारपरे हलो 10 टाका, तारपरे 15 टाका। तो जैसा कि जब 25 पैसा था तब से काकीमा ये बेच रहे हैं और अभी घुगनी का दाम 15 रुपये प्लेट हो गया है। और
ডিম সিদ্ধ আর ডিম কষা আর আলুদম কত? ওটা 15 টাকায়, ওটা 15 টাকা, আলু 15, ঘুগনি 15, ডিম 15 আর সিদ্ধ ডিম 10। মতলব ইহা পে যো ভি আইটেম আপ দেখ রে, ঘুগনি কা হো ও 15 রুপে প্লেট হ্যায় আর আপকা আলুদম ও ভি 15 রুপে প্লেট হ্যায় আর যো ফ্রাই হ্যায়গে ও ভি 15 রুপে প্লেট হ্যায় আর যো বয়েলড এগ আপ দেখ রে ও 10 রুপে কা। আর কাকিমা আপনার বয়স কত হয়েছে? আমার বয়স 60 বছর হয়ে গেছে। তো জেসা কি আন্টি জি বতা রে, ইনকা 60 সাল হো গিয়া হ্যায় আর কত টাইম, কখন আপনি এখানে লাগান এটা? বিকাল 4টে থেকে রাত 12টা 1টা বেজে যায়। আচ্ছা, তো জেসা কি কাকিমা বতা রে কি শাম কো 4 বজে সে রাত করিবন 10-11-12 ভি বাজ জাতা হ্যায়, মতলব যখন পর্যন্ত শেষ হয় না, তখন যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ যাই। তো মতলব ওই 10-11 লগভগ বাজ জাতা হ্যায় আর আপ 4 বজে আ সকতে হ্যায়। অ্যাড্রেস কি বাত বোলে তো ইয়ে গড়িয়া শীতলা মন্দির মে হ্যায়, গড়িয়া শীতলা মন্দির একদম সিগনাল কে পাস। তো চলিয়ে আব হামলোগ ভি ঘুগনি ট্রাই করেঙ্গে আর আপকো বতায়েঙ্গে কি কেসা। অবভিয়াসলি বহুত হি আচ্ছা হ্যায়, তো চলিয়ে ট্রাই করতে হ্যায়, আপ লোগো কো বতাতে হ্যায়। আব হামলোগ ভি ঘুগনি ট্রাই করেঙ্গে আর ট্রাই করকে আপকো বতায়েঙ্গে কেসা হ্যায়। ইয়ে আলু দম কাফি আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়, মসালেদার আর ইয়ে বয়েলড এগ, ইয়ে এক দো তিন মসালা হ্যায়। কাকি মা ঘুগনি দিন, ঘুগনি ঘুগনি দেবো হ্যাঁ। এটা টক না চাটনি, স্পেশাল চাটনি। তো গাইজ জেসা কি আপ লোক দেখ সকতে হ্যায়, ইয়ে রাত ঘুগনি আর 15 রুপে কা প্লেট আ রহা হ্যায় আর সাথ মে আপ দেখ সকতে হ্যায় ইয়াহ পে প্যাজ হ্যায় আর ধনিয়া পাতা হ্যায় আর সেও হ্যায় আর উপর সে কুছ চাটনি ডালা হ্যায় যো ইনহোনে আপনা স্পেশাল বানায়া হ্যায়। তো চলিয়ে আবি আপ খায়েঙ্গে আর খা কে আপকো বাতা দেগি কেসা হ্যায়, তো ভিডিও মে বনে রহিয়ে গাইজ। सो गाइस इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब क्या होता है ना कि वैसे तो मुझे घुगनी काफ़ी पसंद है और ये जो घुगनी का स्वाद आ रहा है ना बहुत ही अच्छा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसा वो मेले में जैसे खाते थे ठीक वैसे ही स्वाद आ रहा है और साथ में इनका जो स्पेशल चटनी वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और और गाइज मैं अभी घुगनी ट्राई कर रहा हूँ और चलिए ट्राई करते हैं, लेते हैं कैसा है। और काफ़ी अच्छा टेस्ट है और जैसा कि वो मेले में हम लोग जैसा खाते थे ठीक उसी तरह का टेस्ट आ रहा है। घुगनी अगर आप देखेंगे तो ना उतना हार्ड है और ना ही उतना गला हुआ है, तो मीडियम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा। और साथ में जो उनका जो स्पेशल चटनी है जो खुद ही बनाते हैं वो डालने के बाद इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आ रहा है। आज इवनिंग से ही बारिश हो रही थी कोलकाता में, तो सोचा चलो कुछ खाते हैं और बारिश में घुगनी का कुछ मज़ा ही कुछ और है। और एड्रेस की बात बोले तो ये शीतला मंदिर के पास है, शीतला मंदिर गुड़िया, तो आप लोग भी आके विज़िट कर सकते हैं, ये साउथ कोलकाता गुड़िया। और काफ़ी अच्छा स्वाद है, बहुत ही अच्छा और 15 रुपये प्लेट है, 15 रुपये में काफ़ी अच्छा क्वालिटी विथ क्वान्टिटी, आप लोग आके ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस टेस्ट किया मैंने, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था और 15 रुपये इसका दाम है प्लेट का, काफ़ी अच्छा है। और आपको वहाँ पे आलू दम भी मिल जाता है और साथ में वो अंडा का करी भी मिलता है और वो जो आलू दम है वो काफ़ी अच्छा और स्पेशल था क्योंकि वो गोटा गोटा आलू रहता है छोटा छोटा और आप उसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। वो उस आलू दम में भी प्याज मिर्ची और वो उनका स्पेशल चटनी है वो सब डाल के देते हैं। और ये मैं अभी जो गुड़िया का शीतला मंदिर, गुड़िया शीतला मंदिर की तरफ से मैं सीधा जा रहा हूँ अभी और यहाँ से मैं राइट टर्न लूँगा जो कि कवि नजरुल मेट्रो है, वो कवि नजरुल मेट्रो वहाँ पर जाऊँगा। तो चलिए राइट साइड लेते हैं और ये देखिए काफ़ी भीड़ है और ऐसे गोड़िया शीतला मंदिर में काफ़ी भीड़ ही रहता है। ये आप देख सकते हैं कितना भीड़ है सब। अभी एक्चुअली अब रात के करीबन 8 या 8:30 हो रहे हैं, 8-8:30 हो रहे हैं और इसीलिए सब अभी इतना भीड़ है, सब अपने घर की तरफ रिटर्न कर रहे हैं।
सो गाइस, ये रहा कवि नजरुल मेट्रो और जो गुड़िया में है। और तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज़।